बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तुर्की टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान वाजिद। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि हमारे पास अगर एक ट्राइंगल है और इसमें हमें दो लेंथ उन्होंने शो की हुई हैं और एक एंगल उन्होंने शो किया हुआ है, तो हम बाकी एक लेंथ और दो एंगल किस तरह फाइंड करेंगे। इसके लिए बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है, वो आज मैं आपको अप्लाई करके इधर बताता हूँ। देख सकते हैं आप, ये ए है हमारा एंगल, ये एंगल बी, एंगल सी। एंगल ए हमें गिवन है, एंगल बी और सी हमें नहीं गिवन है। उसके बाद लेंथ बी भी हमें गिवन है और लेंथ सी भी हमें गिवन है। सबसे पहले हम ये काम करेंगे कि हम ये जो हमारे पास एंगल ए है, हमने इसके एंगल की मदद से ए वाली लेंथ हमने फाइंड कर लेनी है। उसके लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो ये है। अगर हमने एंगल ए लेंथ मालूम करनी है, लेंथ ए जो है, तो वो हम इस एंगल की मदद से आसानी से मालूम कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो आप इधर देखें और जहन में बिठाएं। बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस टू बी सी मल्टीप्लाई कॉस एंगल ए अंडर रूट। ठीक है, ये आप इसको अपने जहन में बिठा लें। अभी इधर हम इनके जो डेटा हमें गिवन है वो इधर अप्लाई कर लेते हैं। बी का स्क्वायर, बी स्क्वायर कितना है, दस स्क्वायर प्लस सी कितना है, पच्चीस स्क्वायर माइनस टू ज़रब बी ज़रब सी पच्चीस मल्टीप्लाई कॉस एंगल ये हमारा कितना है, पैंतालीस। पैंतालीस कॉस पैंतालीस। अभी इसको हम इधर आपको हल भी करके मैं बताता हूँ कि हमारी जो इसको हम जब कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारी लेंथ ए आ जाएगी। ठीक है, ये अभी आप देखें, आपके सामने मैं करता हूँ। टेन स्क्वेयर प्लस पच्चीस स्क्वेयर माइनस टू मल्टीप्लाई टेन मल्टीप्लाई पच्चीस मल्टीप्लाई कॉस 45 इक्वल ये मिस्टेक हो गई है, सॉरी, दस स्क्वायर प्लस पच्चीस स्क्वायर माइनस टू मल्टीप्लाई टेन मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई कॉस 45 अंडर रूट। अभी ये हमारे पास जो आ गया है आंसर, ये हमारी लेंथ ए आ गई है। ये जो हमारी लेंथ ए थी 272। ठीक है, ये हमारा पहला स्टेप है इसमें कि हमने जो थर्ड लाइन हमें गिवन नहीं है वो हमने फाइंड करनी है एंगल की मदद से। हमने अभी ये एंगल की मदद से लेंथ फाइंड कर ली है। उसके बाद हमने अगर एंगल हमारे पास एंगल एक है, हमने ये दो एंगल भी अभी फाइंड करने हैं।
पहले जो मर्जी कर लें हम, चलो कहते हैं कि हम एंगल बी फाइंड करते हैं। एंगल बी हमने फाइंड करना है, तो इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है, सेकंड, इसके लिए हमारे पास हमने अभी फाइंड करना है एंगल बी इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड टू ए सी कॉस इनवर्स। ठीक है, अभी इसको हम अप्लाई भी करते हैं। ए हमारे पास कितने हैं, 19.272 प्लस सी कितने हैं 25 माइनस बी कितने हैं 10 स्क्वायर डिवाइड 2 मल्टीप्लाई 19272 मल्टीप्लाई, अभी सी कितने हैं 25 कॉस इनवर्स। ठीक हो गया, अभी इसको हम कैलकुलेट करते हैं। 19.272 स्क्वायर प्लस 25 स्क्वायर 25 का स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, इक्वल .409। अभी ये नीचे वाला कर लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई 19272 मल्टीप्लाई 25 इक्वल 963.600 कॉस इनवर्स। ठीक है, अभी इनको आपस में डिवाइड कर लेते हैं, 896.409 डिवाइड 936.6 इक्वल शिफ्ट कॉस इनवर्स। ये हमारे पास जो आंसर आ गया है, ठीक है, ये हमारा एंगल बी आ गया है। ये अभी पॉइंट में इसको डिग्री वाले बटन पे दबा के डिग्रियों में ले आएंगे, कितने डिग्री है, 21 डिग्री 31 मिनट 22.52 सेकंड। ये हमारे पास आ गया है एंगल बी। इसी तरीके से एंगल सी हम अगर मालूम करना चाहे तो किस तरह करेंगे। ये हमारे पास एंगल बी हो गया। एंगल सी मालूम करने के लिए बहुत ही एक और भी सिंपल तरीका है। अभी हमारे पास दो एंगल हैं, हमें पता है कि एक ट्राई एंगल में 180 डिग्रीज होते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास दो एंगल आ गए, एंगल ए भी है एंगल बी भी है। इन दोनों को प्लस करके 180 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास ये एंगल आ जाएगा। लेकिन हम अगर फार्मूला अप्लाई करना चाहें तो फार्मूला ये है कि अभी हमने सी मालूम करना है, एंगल सी इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइड टू ए बी
कॉज इनवर्स। उसी तरह इनमें इसकी जो ये कीमतें हैं ये अप्लाई कर लेंगे। मैं आपको अभी शॉर्टकट करके इधर ये वाला स्टेप डायरेक्ट में बताता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। आप ये इस तरह पहले करें, उसके बाद इस तरह स्टेप बाय स्टेप काम करें। मैं अभी आपको डायरेक्ट ये वाला डायरेक्ट कैलकुलेट करके आपको इधर तक मैं बताता हूँ इस सी के लिए। तो अभी हमारे पास ए क्या है, 19.272 स्क्वायर प्लस बी हमारे पास क्या है, जो अभी आया है, सॉरी नहीं बी हमारे पास 10 है, वो तो एंगल आया है 10 स्क्वायर माइनस सी हमारे पास कितने हैं 25 स्क्वायर इक्वल ये दोबारा मैं कर लेता हूँ, मिस्टेक हो गई ये शायद 2 स्क्वायर प्लस बी कितने हैं हमारे पास स्क्वायर माइनस सी कितने हैं, ठीक है 5 9 0 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई ए कितने हैं हमारे पास 272 मल्टीप्लाई बी कितने हैं 10 0 cos इनवर्स। अभी इसको हम अप्लाई करते हैं, डिवाइड 3.544 cos इनवर्स। ये हमारे पास पॉइंट में आ गए, जो आंसर है ये पॉइंट में है। इसको डिग्री में लाने के लिए डिग्री वाले बटन को दबाएंगे, ये हमारे पास आ गया है एंगल सी इज इक्वल 113 डिग्री 28 मिनट 59.4 सेकंड। ये हमारे पास एंगल सी आ गया, ठीक है। अभी हम चेक करेंगे कि हमारे एंगल सही आए हैं कि नहीं। उसके लिए क्या करना है, हमने जो भी जितने भी हमारे पास एंगल हैं उन तीनों को प्लस करना है और आंसर देखना है कि 180 आ रहा है तो वो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। अभी ये हमारे पास डायरेक्ट लिखा हुआ है, इसी में और प्लस कर लेते हैं, प्लस 21 डिग्री 31 मिनट एंगल बी जो है 22.52 सेकंड इक्वल फिर प्लस 45 जो हमारा एंगल ए है 45 डिग्री। ये भी आप देख सकते हैं हमारे पास जो आंसर आ गया है 180 डिग्री। अभी हमें पता चल गया कि हमारा हमने जो काम किया है, जो कैलकुलेशन हमने की है वो बिल्कुल ठीक है, सही है। और जिस तरह मैं कह रहा था कि जब मैंने ये बी वाला एंगल फाइंड किए तो हम ये फार्मूला जो हम नहीं भी अप्लाई करें फिर भी हम एंगल सी निकाल सकते हैं। वो किस तरह निकाल सकते हैं फिर मैं आपको बता देता हूँ। जो हमने एंगल बी निकाला है ये, चलो अभी मैं आपको करके बताता हूँ। 21 डिग्री 31 मिनट 22.52 सेकंड प्लस, और जो हमारे पास एंगल ए था वो अभी हमने लिख लेना है कितने 45 डिग्री इक्वल जो भी हमारे पास आंसर आ गया है उसमें से हमने 180 माइनस कर लेना है, माइनस 180 डिग्री हमारे पास एंगल सी आ जाएगा। कितना आ गया 113 28 और इसका कोई इतना इशू नहीं है, सेकंड वालों का ये थोड़ा बहुत फ़र्क दे देते हैं। अभी आप जो है आपके लिए ये बहुत मुफीद है, इसको अपने जहन में बिठाएं।
उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।